आपको ब्रीफ कर दूं व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कवर. सो इन पालो अल्टो फायरवॉल देयर आर टू सर्टिफिकेशंस. लाइक इफ आई टॉक अबाउट द सर्टिफिकेशन, फर्स्ट वन इज एस, दैट इज फ्री. लाइक ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन है कि ये फ्री होता है और ओपन. Open means you may take this exam from anywhere. Like simply you need to have internet connection. Okay. And approximately there are 40 to 50 questions. और जितनी बार दिल करे उतनी बार दिया जा सकता है. And it's all about basics. तो हम लोग जो cover करेंगे उसके अंदर इसका भी cover हो जाएगा. तो even you may take this exam once like your proper जो हम लोग करने वाले हैं Palo Alto Certified Network Security Engineer. And this is the only certification what they offer. Palo Alto Networks offer. और इसके अंदर ही इसका सारा कुछ कवर हो जाएगा. तो अगर ये हम लोग प्रॉपर कर लेते हैं तो इसका भी एग्जाम आप दे सकते हैं और दे देना चाहिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट और वेब बेस्ड इंटरनेट चाहिए. एक रजिस्ट्रेशन करना होता है साइट पे जाके, 40-50 मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं और इसके बाद एक सर्टिफिकेट एटलीस्ट ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं पालो आल्टो वाले इसका. और जो दूसरा ट्रैक है जो हम लोग करने वाले हैं, सॉरी बेसिकली पालो आल्टो नेटवर्क्स सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर. सो दिस इज द सर्टिफिकेशन जो कवर हो जाएगा इसी मॉड्यूल के साथ. और अभी जो हम लोग वर्जन करेंगे वो 8.0 है. सर्टिफिकेशन के लिए इसके लिए पे करना पड़ता है ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली $160 प्लस 18% जीएसटी. इसके अंदर जीएसटी अप्लाई हो जाता है और ये एग्जाम हमारे यहाँ भी हो जाता है. यू मे टेक दिस एग्जाम एट एनी पियर्सन व्यू सेंटर. कोई भी पियर्सन व्यू सेंटर है सो यू मे टेक दिस एग्जाम एट एनी पियर्सन व्यू सेंटर. वी आर ऑल्सो ऑथराइज टू कंडक्ट दिस एग्जाम पालो आल्टो नेटवर्क सर्टिफाइड सिक्योरिटी इंजीनियर्स. और इसकी जो कॉन्टेंट है वो हम लोग इस पूरे ट्रेनिंग में कवर भी करेंगे. तो वंस योर ट्रेनिंग इज लाइक वी हैव गॉन थ्रू ऑल द कॉन्टेंट ऑफ दिस मॉड्यूल सो यू वुड बी वेरी मच कम्फर्टेबल टू टेक दिस एग्जाम. कुछ डम्स चाहिए होते हैं वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको जरूरत होगी तो. इसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको सर्टिफिकेशन देना होगा तो. एनीवे सर्टिफिकेशन तो एक सेकेंडरी कंसर्न है. सो वी विल बी फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट फर्स्ट. तो हम लोग तो कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करेंगे सर्टिफिकेशन तक. इसके अंदर हम लोग ये डिफरेंट मॉड्यूल्स कवर करने वाले हैं. और हालांकि टुडे मे बी टुमारो इवन ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच फ्रॉम द वेरी बेसिक्स बिगनिंग. बिल्कुल मैं स्टार्ट से ही कराऊंगा आपको लाइक व्हाट इज फायरवॉल एंड इसके जो बाकी स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड वर्सेस लीगेसी फायरवॉल. सो एंड हाउ दिस फायरवॉल इज डिफरेंट फ्रॉम लाइक योर ट्रेडिशनल राउटिंग और राउटर, वहां से क्या डिफरेंस है. तो मैं तो यहीं से स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द वेरी स्क्रैच फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. बट एज फॉर दिस पालो आल्टो फायरवॉल ब्लूप्रिंट इज कंसर्न देन द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल इज लाइक इस प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर, इसके प्लेटफॉर्म्स के बारे में. देन वी मूव टू दिस लाइक इनिशियल कॉन्फिगरेशन पार्ट, हाउ टू कॉन्फिगर पालो आल्टो फायरवॉल फ्रॉम दिस स्क्रैच फ्रॉम लाइक वेरी बिगनिंग. एंड देन सॉरी देन इस deployment mode in fact. So there are different deployment scenario here in Palo Alto Firewall. For example, अगर मेरा ये कोई router लगा हुआ है, इसके नीचे already कोई legacy या पुराना firewall लगा हुआ है यहाँ पे, old firewall. And now I want to put the Palo Alto Firewall. So whether that Palo Alto Firewall will replace this existing firewall, इसको replace करेगा, या initially हम लोग Palo Alto Firewall को switch के किसी port के साथ लगाएं और इसको स्पैन पोर्ट कॉन्फ़िगर करें स्विच पोर्ट एनालाइजर टूल जस्ट टू एनालाइज ऑल द ट्रैफिक पासिंग थ्रू दिस नेटवर्क नेटवर्क आर मे बी ट्रेडिशनल आर लीगेसी फायरवॉल. या इस पालो आल्टो फायरवॉल को हमें यहीं पे प्लेस करना है रिप्लेस करके. और यहाँ पे प्लेस करना है तो वेदर इंटरफेसेज शुड बी इन लेयर 3 मोड आर लेयर 2 मोड आर देयर इज अनदर मोड हियर ओवी वायर वर्चुअल वायर मोड. तो पालो आल्टो में डिप्लॉयमेंट के बहुत सारे सिनेरियोस होते हैं. पहला तो ये हो गया कि इनलाइन डिप्लॉयमेंट होगा या इनलाइन डिप्लॉयमेंट नहीं होगा. और इनलाइन मींस पाथ में, मींस कि ट्रैफिक विल बी पासिंग थ्रू द डिवाइस. सो दैट काइंड ऑफ डिप्लॉयमेंट इज इनलाइन डिप्लॉयमेंट जो बीच में ही आएगा. और एक होता है इनलाइन डिप्लॉय नहीं करना लाइक स्पैन पोर्ट स्विच के ऊपर कॉन्फिगर करके पोर्ट मिररिंग और वहां पे सारा ट्रैफिक को फायरवॉल पे डायरेक्ट करना. तो इसी तरीके से इसमें डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मोड्स होते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू कवर अप हियर. टैप इंटरफेस वर्चुअल वायर लेयर 2 लेयर 3 एंड देयर इज अनदर मोड फिफ्थ वन. फिफ्थ वन इज एचए मोड व्हिच इज नॉट मेंशनड हियर.
अवेलेबिलिटी मोड। तो ये पांच डिफरेंस इंटरफेस टाइप होते हैं। अगर हम लोग ट्रेडिशनल राउटिंग की बात करें, राउटर की बात करें, सिस्को राउटर की, तो बाय डिफॉल्ट सिस्को राउटर के जो इंटरफेसेस होते हैं, सिस्को राउटर के या कोई भी राउटर हो, तो ये इंटरफेसेस लेयर थ्री मोड में होते हैं, विच इज राउटेड मोड, राइट? एंड इवन दे बोथ बिलोंग टू सेम राउटिंग टेबल, ओनली वन राउटिंग टेबल, विच इज योर ग्लोबल राउटिंग टेबल सॉर्ट ऑफ थिंग। बट यस, इवन सिस्को राउटर डज सपोर्ट राउटिंग टेबल वर्चुअलाइजेशन। सो वट वी कैन डू हियर, वी कैन क्रिएट अ VRF, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग टेबल, एंड वी मे पुट वन इंटरफेस इन वन VRF, अनदर इंटरफेस इन डिफरेंट VRF, दैट इज पॉसिबल। इवन इफ रिक्वायर्ड, देन वी मे ब्रिज ट्रैफिक बिटवीन दीज टू इंटरफेसेस, दैट इज अगेन पॉसिबल। वी मे टेक देम आउट ऑफ राउटेड मोड एंड लाइक आफ्टर क्रिएटिंग अ ब्रिज ग्रुप, है ना, ब्रिज ग्रुप बना के जो एक वर्चुअल इंटरफेस बन जाता है, ब्रिज वर्चुअल इंटरफेस, ब्रिजिंग करा सकते हैं हम लोग। तो एक तरह से वो लेयर टू हो गया और ये लेयर थ्री हो गया। लेकिन पालो आल्टो में इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेयर टू लेयर थ्री के अलावा भी। वो क्या है एग्जैक्टली, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटरफेस कॉन्फिगरेशन में। देन वी गो टू द नेक्स्ट वन, मॉड्यूल नंबर 4, एंड योर सिक्योरिटी पॉलिसी एंड नेट पॉलिसी। तो दो पॉलिसी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड नेट पॉलिसी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशनल पॉलिसी। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा यहाँ पे। एंड देन ऐप आईडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा डिस्कशन का। ऐप आईडी, एप्लीकेशन आईडी, इसका बेसिक रोल क्या होता है कि जो लीगेसी फायरवॉल्स होते हैं वो एप्लीकेशन को डिटरमाइन करने के लिए दे जस्ट लुक एट लेयर 4 हेडर, लेयर 4 हेडर लाइक दिस वन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन पोर्ट दे डिटरमाइन द एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ये मेरा लीगेसी फायरवॉल है, ओल्ड फायरवॉल, और मैंने कहा अलाउ वेब ट्रैफिक, सो दे जस्ट लुक एट लेयर 4 हेडर, एंड इफ डेस्टिनेशन पोर्ट वुड हैव बीन 80, सो that traffic will be allowed by this firewall, because port 80 means they would determine that this application is HTTP application because it's using port number 80. aise agar kuch aur hoga, koi let's say DNS traffic hai, to agar UDP port 53 hua, so wo determine kar lenge ki ye sir DNS application. so jo legacy firewalls hain, in order to determine application, they just look at layer 4 header, and of course layer 3 parameters or attributes will be taken into account, like the source IP, destination IP, etc. But in order to determine application, they just look at layer 4 header, like TCP or UDP header, and they then determine the application. Lekin jo Palo Alto firewall hai ya bahut sare aur jo next generation firewall hai, wo kya karte hain application ko determine karne ke liye, primarily to Palo Alto or any next generation firewall, they also look at layer 3 and layer 4 header first, and then layer 7, ye iske andar deep inspection karke application kya use ho raha hai, kya use nahi ho raha hai, uska ek signature nikalte hain, aur firewall ke database mein pehle se well known application ke signatures hote hain. well-known application, for example in Palo Alto firewall approximately 2800 something, itne well-known application ka signature pehle se hota hai iske paas. to let's say firewall pe hum logon ne policy lagaya to allow OWASP traffic, which is HTTP traffic, to pehla jo first line of defense hai ya first impression hai, wo to port number se hi pata chalega ki whether that application is running on a standard port or not. but once Palo Alto firewall finds that destination port is standard port, which is 80, then Palo Alto firewall goes to layer 7 and looks at layer 7 header, determine or find out application signature, and then it has already in its database signature of all the well-known application. वहाँ से वो match कराता है कि कोई ऐसा कोई tactic या evasive tactic तो नहीं use किया जा रहा है to bypass the firewall. ये tactics क्या होते हैं मैं आगे बात करूँगा, because आजकल बहुत सारे ऐसे techniques होते हैं कि सिर्फ
पोर्ट के बिहाफ पे ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई करना एक सही डिसीजन नहीं होगा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वेज टू बाईपास द फायरवॉल। हो सकता है कि पोर्ट नंबर 80 हो, बट रियल में इट्स नॉट वेब ट्रैफिक दैट इज पॉसिबल। कुछ टनलिंग हो सकता है, इनक्रिप्टेड ट्रैफिक हो सकता है, इवन कुछ ऐसे फायरवॉल हैं वो लेयर 7 तक इंस्पेक्ट करते हैं, बट अगर वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे या वहाँ SSL टर्मिनेशन नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को नहीं चेक कर पाएंगे। तो सॉरी, यहाँ पे हम लोग वही सब बात करेंगे कि पालो अल्टो फायरवॉल किस तरीके से एप्लीकेशंस को रिकॉग्नाइज करता है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, कि कौन सा एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है, व्हाट एग्जैक्टली एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन इज, सो आई विल टॉक अबाउट दिस इन दिस मॉड्यूल। द नेक्स्ट वन, मॉड्यूल नंबर 6 इज अबाउट द कॉन्टेंट आईडी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, कॉन्टेंट आईडी। इस कॉन्टेंट आईडी के थ्रू जो इनका कॉन्टेंट पॉइंट भी है, कॉन्टेंट आईडी, सो विद दिस कॉन्टेंट आईडी हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेस हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे इंटरनल यूजर्स वो कंपनी का कुछ भी कॉन्फिडेंशियल डेटा मेल में अटैच करके या किसी तरीके से किसी आउटसाइड पर्सन को ना भेजें वो। फॉर एग्जाम्पल किसी का ईमेल आईडी, मे बी एड्रेस और मोबाइल नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर और लेस आधार कार्ड नंबर या यूएस सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिफायर नंबर, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए हमें फायरवॉल पे कुछ ऐसा प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा जो डेटा लीकेज को रोके या डेटा फिल्टरिंग हो। यहाँ पे मीन्स हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि अगर हमारे कुछ कस्टमर के क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं तो वो किसी मेल में या किसी तरीके से अटैच करके कोई बाहर ना भेज पाए। बट फॉर दैट टू कंट्रोल, Palo Alto firewall must be able to just inspect the content भेज रहा हूँ जीमेल के थ्रू। तो जीमेल तो इस एन एप्लीकेशन, ऐप आईडी से पता लग गया कि एप्लीकेशन इज जीमेल, बट उस जीमेल के अंदर जो फाइल अटैच करके मैं भेज रहा हूँ या कोई और फाइल है, एक्सेल शीट है, कोई वर्ड डॉक फाइल, उसके अंदर क्या उसको इंस्पेक्ट करने के लिए कॉन्टेंट आईडी यूज होता है। सो ऐप आईडी इज जस्ट टू identify in that application what kind of traffic is being sent, what kind of data is being sent, to inspect that content ID engine is used. So even antivirus, जैसे हम लोग firewall पे antivirus profile लगा देते हैं firewall पे, वो इसलिए लगाते हैं ताकि आप internet से कोई चीज download कर रहे हो या upload कर रहे हो, अगर वो file के अंदर कुछ virus है, इन्फेक्टेड है, तो वो फायरवॉल यहीं पे रोक दे ताकि एटलीस्ट फायरवॉल के थ्रू कोई इन्फेक्टेड फाइल आप डाउनलोड ना कर सको। उसमें भी बिहाइंड द सीन कंटेंट आईडी इंजन यूज होता है। जो हम लोग यूआरएल फिल्टरिंग पढ़ेंगे आगे, कि हम लोगों ने कंप्लीट सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी को ब्लॉक कर दिया, सर्च इंजन ब्लॉक कर दिया, जॉब सर्च कैटेगरी को ब्लॉक कर दिया या पर्टिकुलर कोई साइट ब्लॉक कर दिया, वो सब कुछ में भी बिहाइंड द सीन content ID engine use hota hai. So again this content ID is very important concept of this Palo Alto firewall, aur yahan pe bhi hum log detail mein content ID ke bare mein baat karenge ki content ID mein kya kya hai, kis tarike se, aur ye alag se bhi ek chapter yahan pe aayega URL filtering, but more or less like is part of content ID. Jo technology isme use hota hai wo content ID hai. Decryption aajkal kya hota hai ki अच्छे अच्छे फायरवॉल को भी बाईपास किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फायरवॉल पे मैंने SSH अलाउ कर रखा है, क्योंकि यूजुअली SSH और HTTPS बहुत सारे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होता है। जैसे पहले हम लोग टेलनेट यूज करते थे, टेलनेट करके डिवाइस को मैनेज करते थे, बट सिंस टेलनेट इज नॉट सिक्योर, प्लेन टेक्स्ट में यूजर नेम पासवर्ड होता है, तो ये एब्सोल्यूट हो चुका है अभी। और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में वी ऑलवेज प्रीफर टू यूज SSH. सो लेट्स से SSH इज अलाउड अंडर दिस फायरवॉल, और
यूजर या स्मार्ट जो यूजर है वो SSH का फायदा उठा रहा है, वो क्या कर रहा है किसी डिवाइस को या ओपन SSH को कनेक्ट कर रहा है पुटी के थ्रू, तो बेसिकली एक टनल बन जाता है। और उसके बाद ब्राउजर में जाके अपनी सेटिंग करता है प्रॉक्सी सर्वर्स की, जस्ट इन ऑर्डर टू पुट ऑल ट्रैफिक इन साइड दिस SSH टनल जो ब्राउजर से इनिशिएट होता है। तो उस केस में अच्छे अच्छे फायरवॉल नहीं इंस्पेक्ट कर पाएंगे कि ये यूजर क्या भेज रहा है, क्योंकि जब डेटा इसका इनक्रिप्टेड होगा तो इसको चेक करने के लिए डिक्रिप्ट करना पड़ेगा पहले। अब वो डिक्रिप्शन कैसे हो? अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है आपका SSL, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इट्स माई पालो अल्टो फायरवॉल और ये इंटरनेट है मेरा, और मैं चाहता हूँ पालो अल्टो फायरवॉल से कि लोग जितने इंटरनल यूजर हैं फेसबुक बेस ये ओपन करें, लेकिन बाकी कुछ फेसबुक के सब एप्लीकेशंस हैं लाइक फेसबुक चैट शुड बी ब्लॉक्ड, मे बी फेसबुक पे कुछ अपलोडिंग वीडियो अपलोड करना, गेम खेलना ब्लॉक्ड, तो कुछ मुझे ब्लॉक करना है और कुछ अलाउ करना है फेसबुक के अंदर सब एप्लीकेशंस को। बट इसमें ही प्रॉब्लम क्या है कि जब यूजर फेसबुक पहली बार खोलता है तो जो फेसबुक का सर्वर होगा यहाँ पर एल एस ए और क्लाइंट के बीच में एक सिक्योर टनल क्रिएट हो जाता है, काइंड ऑफ VPN SSL टनल बन जाता है, ये SSL है। और जो पहले बात कर रहा था मैं वो सिक्योर शेल था। अब SSL टनल बन गया, यानी कि जैसे ये फेसबुक खोलेगा तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में, फेसबुक और क्लाइंट के बीच में एक टनल बन जाता है SSL टनल। एंड देन आफ्टर ये यूजर जो भी डेटा सेंड करेगा वो इनक्रिप्ट होके जाएगा, और उसका डिक्रिप्शन का की फेसबुक के सर्वर के पास है, इनक्रिप्शन का की क्लाइंट के पास है। तो इवन तो फायरवॉल इज सिटिंग बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर बट विल नॉट बी एबल टू इंस्पेक्ट द ट्रैफिक व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक यूजर इज सेंडिंग अक्रॉस। सो इन दैट केस विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल फेसबुक चैट आर अपलोडिंग एनी लाइक वीडियो इन फेसबुक आर मे बी फेसबुक गेम, क्योंकि ये सब कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो टनल है क्लाइंट का वो फायरवॉल पे टर्मिनेट हो जाए, और फायरवॉल एक दूसरा टनल बनाए फेसबुक सर्वर के साथ। इसको हम लोग मैन इन मिडल बोलते हैं, मैन इन मिडल या SSL फॉरवर्ड प्रॉक्सी। इससे क्या होगा कि यूजर अब कुछ भी इंक्रिप्ट करके भी भेजेगा तो उसको डिक्रिप्ट करने का की फायरवॉल के पास होगा, बिकॉज नाउ टू टनल्स विल बी क्रिएटेड, वन बिटवीन क्लाइंट एंड द फायरवॉल एंड द बिटवीन फायरवॉल एंड द सर्वर। So, इस तरीके से हम लोग जो ये सब एप्लीकेशंस होते हैं सब एप्लीकेशंस इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सारे फीचर्स पालो अल्टो फायरवॉल में है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फेसबुक बेस को अलाउ करें, फेसबुक चैट फेसबुक गेम इन सबको न अलाउ करें। दैट कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज हियर इन पालो अल्टो फायरवॉल वी हैव डिक्रिप्शन पॉलिसी। सो इन मॉड्यूल 8 आई विल डिस्कस अबाउट दिस डिक्रिप्शन पॉलिसी, हाउ टू कॉन्फिगर ऑल दैट। Then we move to the next module, which is 9th. और इसमें क्या वाइल्ड फायर, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग सैंड बॉक्सिंग भी बोलते हैं, कि यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ टेक्निक है कि कोई जीरो डे अटैक को प्रोटेक्ट प्रिवेंट करना। फॉर एग्जाम्पल कोई नया अटैक आया और लेट्स से ये यूजर कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से, वो फाइल में कुछ मलेशियस कोड है, अनऑथराइज कोड है, और फायरवॉल को भी नहीं पता है, बिकॉज लेट्स से इट्स अ वेरी न्यू अटैक, आज के दिन में कोई कोडिंग करके किसी ने कुछ अटैक डाला। तो वहां पर एक ऑप्शन होता है कि जब यूजर कोई ऐसा कंटेंट या फाइल डाउनलोड करे तो फायरवॉल उसको एनालिसिस के लिए अपने पब्लिक क्लाउड पे सेंड कर देता है फर्दर एनालिसिस के लिए, और यहाँ पे सैंड बॉक्सिंग टेक्नोलॉजी होती है, उस फाइल को यहाँ एग्जीक्यूट किया जाता है, चेक किया जाता है कि उसमें कुछ मलेशियस कोड तो नहीं है, कुछ इंफेक्शन तो नहीं है, और फिर यहाँ से वर्डिक्ट पालो अल्टो फायरवॉल के पास आता है। और अगर कुछ नया हुआ तो पालो अल्टो की टीम उसका फटाफट सिग्नेचर क्रिएट करेंगे उसको प्रिवेंट करने के लिए, और पुश कर देते हैं सारे फायरवॉल पे जो अपडेट्स होते हैं एज अपडेट्स। इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे डिटेल में बात करूंगा, उसको हम लोग वाइल्ड फायर बोलते हैं। अ काइंड ऑफ लाइक यू मे से लाइक वाइल्ड फायर मीन्स प्रोटेक्टिंग जीरो डे अटैक, थ्रेट प्रिवेंशन का ही एक फीचर है, अच्छा फीचर है एक तरीके से। तो ये फीचर भी इसके अंदर है। देन यूजर आईडी टू आइडेंटिफाई यूजर, यूजर बेस्ड पॉलिसी लगाना, जैसे ये फायरवॉल है बाय डिफॉल्ट
किसने फेसबुक खोला, किसने क्या एक्टिविटी करी, उसका लॉग जो जनरेट होता है फायरवॉल पे, उसमें आईपी होता है सिर्फ कि किस आईपी से वो एक्टिविटीज को परफॉर्म किया गया। बट इससे हमें उसी टाइम पे यूजर अकाउंट भी चाहिए कि फ्रॉम विच यूजर अकाउंट। सो फॉर दैट देर हैज टू बी इंटीग्रेशन ऑफ योर फायरवॉल विद योर विंडोज सर्वर। जैसे हमारा अगर कोई एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है तो उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, सो दैट जो यूजर्स उस मशीन पे, उस डेस्क पे बैठा हुआ है, उसका भी इंफॉर्मेशन आ जाए। इवन वी मे क्रिएट सिक्योरिटी पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ यूजर अ ग्रुप, राइट, अपार्ट फ्रॉम लाइक ओनली आईपी एड्रेस। वो भी एक कॉन्सेप्ट है, तो वो हम लोग यूजर आईडी में डिस्कस करेंगे। वीपीएन, सो विल बी कवरिंग अ बोथ वीपीएन्स, इस IPsec साइड टू साइड वीपीएन एंड दिस इज योर रिमोट एक्सेस वीपीएन विच इज ग्लोबल प्रोटेक्ट। तो दोनों वीपीएन कवर करेंगे हम लोग, साइड टू साइड और ग्लोबल प्रोटेक्ट, दोनों ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सॉरी देन दिस वन लाइक मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। सो यू अंडरस्टैंड मॉनिटर करना, उसका रिपोर्ट करना, लॉगिंग, हाई अवेलेबिलिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे रिडंडेंट मोड में डिवाइस को डिप्लाई करना ताकि अगर एक डाउन होता है तो हमारे पास दूसरा हो, तो दो मिनिमम पालो अल्टो फायरवॉल को डिप्लाई करना, एचए मोड, वहां पे भी एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव। सो आई बी कवरिंग अप बोथ कॉन्सेप्ट एंड इवन वी विल एक्सक्लूड एवरीथिंग इन लैब एज वेल, लैब भी करेंगे हम लोग इसका सारा। एंड देन फाइनली लास्ट वन, लास्ट मॉड्यूल इज ट्रबल शूटिंग, पैकेट कैप्चर, लाइक जो वायरशार्क में कैसे इसको एनालाइज करेंगे, पीकेएफ फाइल को, कॉन्फ़िगर अगर माइग्रेट करना हो हमें बॉक्स को पालो अल्टो को, तो हाउ टू टेक द कॉन्फ़िगरेशन बैकअप, रीस्टोर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब कुछ कमांड लाइंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अगेन फर्दर ट्रबल शूटिंग फ्रॉम द ट्रबल शूटिंग पर्सपेक्टिव। तो ये हम लोग का नेक्स्ट मॉड्यूल होगा। तो मॉड्यूल वाइज देखा जाए तो अप्रॉक्सिमेटली टोटल देर आर 15 मॉड्यूल्स, और हालांकि आज अभी तो बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल स्क्रैच से। और अप्रॉक्सीमेटली इस मॉड्यूल में, चूंकि ये फायरवॉल का पहला मॉड्यूल है अभी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 15 सेशंस होगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम लोग 1.5 आवर्स के अप्रॉक्सीमेटली एक सेशन करते हैं तो अप्रॉक्स तो मे टेक लाइक 15 सेशंस। दूसरा जो फायरवॉल का मॉड्यूल होगा उसमें थोड़ा सा कम लग सकता है, वो इसलिए क्योंकि जो थ्योरी पार्ट होता है लाइक IPsec VPN या रिमोट एक्सेस VPN, जनरल जो एक ओवरव्यू या हाई लेवल ओवरव्यू है, दैट रिमेन्स सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेंडर, इज इरेस्पेक्टिव ऑफ लाइक कि चेक पॉइंट है या पालो अल्टो है। बट येस, वेन इट कम्स टू कॉन्फिगरेशन पार्ट, सो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो इन पालो अल्टो फायरवॉल कॉन्फिगरेशन विल बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू चेक पॉइंट आर एनी अदर फायरवॉल, तो वो तो डिफरेंट होता है। बट जो थ्योरी पार्ट होता है, पर्टिकुलरली VPN और ये सब चीज़ें जो कॉमन टेक्नोलॉजीज हैं, वो सेम होता है। बट ओनली फॉर कॉमन टेक्नोलॉजीज, लाइक हियर वी हैव कॉन्टेंट आईडी, बट सिमिलर कॉन्सेप्ट इज देयर इन अदर फायरवॉल्स, बट वो कॉन्टेंट आईडी नहीं बोलते हैं हम लोग, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रबल शूटिंग या पैकेट कैप्चर का तरीका डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, चेक पॉइंट में हम लोग TCP डंप यूज करेंगे, कमांड, बिना कमांड के हम लोग पैकेट कैप्चर नहीं कर सकते, यहाँ पे सारा कुछ GUI बेस्ड है। चेक पॉइंट ट्रबल शूटिंग में CLI की ज्यादा जरूरत है, प्लस उसका बिल्कुल आर्किटेक्चर अलग है, जो उसका आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पालो अल्टो फायरवॉल। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, बट हेल्प मिलता है अगर एक फायरवॉल अच्छे से किया हुआ हो तो हेल्प मिलता है अनडाउटली। तो वो इस तरीके से देखा। तो आज एनीवे मैं अभी आपको थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ये जूम करके कि सिक्योरिटी में कुछ खास नॉलेज नहीं है, तो वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट हम लोग इसके अंदर मॉड्यूल करने वाले हैं, और एक सेकेंड इसको मैं बंद करता हूँ, स्लाइड की जरूरत नहीं हम लोगों को। ठीक है, तो टॉपिक में तो हमें समझ में आ गया होगा क्या क्या टॉपिक्स हम लोग करेंगे कोर्स के अंदर। यस सर। ओके, ऑलराइट, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम, गुड, so I'm starting from like scratch from the very beginning, और मैं बिल्कुल बिल्कुल आपको राउटिंग से जरा लेके चलता हूँ, क्योंकि हम लोग राउटर के बारे में बात करते हैं कि राउटर भी क्या एक एज ए गेटवे ही काम करता है, गेटवे बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स।
काफी हद तक जो फायरवॉल्स होते हैं वो भी इस कुछ गेटवे की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, नेटवर्क फायरवॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो काफी सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो आपका राउटिंग है। और वहीं से मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ कि जो राउटर आपका है या राउटिंग जो होता है वो कैसे होता है, तो वहां से थोड़ा सा कंपेयर करने में मुझे ईजी होगा। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस राउटिंग प्रिंसिपल्स, तो ये मैं फाइल आपको शेयर कर दूंगा बाय द एंड ऑफ द सेशन, इसी चैट विंडो में डालूंगा। सो देर आर थ्री मेन स्टेप्स इन आईपी राउटिंग। मैं थोड़ा सा रिकॉल भी करा रहा हूँ राउटिंग के बारे में। अब जस्ट राउटिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मीन्स जस्ट एक गेटवे, नॉट सिक्योरिटी गेटवे, बिकॉज राउटर मीन्स गेटवे। सो हियर देर आर थ्री मेन स्टेप्स इन आईपी राउटिंग। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन इज लाइक फाइंडिंग आउट लॉन्गेस्ट मैचिंग राउट इन द लोकल राउटिंग टेबल। एंड एग्जिट इंटरफेस, तो ऑफकोर्स की राउटिंग टेबल फाइंड आउट करता है। इन द नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो फाइंड आउट एग्जिट इंटरफेस, एग्जिट इंटरफेस फाइंड आउट करता, और इसके लिए मे बी रिकर्सन, रिकर्सन आर विच इज रिवर्स राउटिंग टेबल लुकअप माइट बी रिक्वायर्ड। मैं समझाता हूँ पॉइंट को। सो For that, so in order to find out exit interface, this might be required. And then step number two. So step number two is switching. That is moving packets between the interfaces. दो इंटरफेस के बीच में पैकेट को मूव करना। And then the third point. Third point is encapsulation, that is building layer 2 header, building layer 2 header. तो नॉर्मल राउटिंग में क्या होता है कि अगर हम लोग, मैं तीनों स्टेप समझाता हूं आपको बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो अगर हम लोग राउटिंग के बारे में बात करें, सो इट्स माय राउटर एंड और लेट्स से देयर आर थ्री ऑफ फोर इंटरफेसेस हियर, कंप्यूटर मशीन हियर। लेट्स से इस मशीन आईपी एड्रेस इज 10.0.0.1 सोर्स मशीन, और ये किसी और कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क में टेलनेट करता है या पिंग करता है, कुछ भी करता है, इंडिफरेंट आईपी सबनेट, दिस इज द होस्ट मशीन। मे बी हियर लाइक 20.0.0.1 माइट बी लोकेटेड हियर आर समवेयर एल्स, लाइक इवन वी डोंट नो लाइक वेयर इज दैट मशीन, maybe here behind this R3 or R2 and it's my R1, and there are three interfaces here, GIG0/0, GIG0/3 and GIG0/2 suppose. तो पहले क्या होता है कि ये कंप्यूटर इस गेटवे को डेटा फ्रेम इनकैप्सुलेट करके देता है। तो इस इंटरफेस का जो भी आईपी एड्रेस होगा, let's say 10.0.0.100, so this IP address means gateway IP address for this computer. तो इस कंप्यूटर की गेटवे में IP address हम लोग प्लेस करके रखते हैं। And the moment like you type in here telnet 20.0.0.1, so TCP IP protocol, which is basically a software, a program. First it determines that destination host machine belongs to the same IP subnet or different IP subnet. And once it determines that destination IP address doesn't belong to the same IP subnet, then it checks the TCP IP configuration. What gateway IP address I have, and the gateway IP address will be 10.0.0.100. So straight away, this host machine, host one, sends our broadcast to obtain MAC address of gateway. And once MAC address is obtained, then the original packet will get encapsulated inside Ethernet header. So original packet means what?
or this kind of packet, like your IP header, TCP header. Telnet is TCP based and data. So it's IP packet. This IP packet will get encapsulated inside Ethernet header. So here, Ethernet header means layer 2 header here, layer 2 header and frame check sequence for the error checking. Layer 2 header will have source MAC address, that of the host 1 and the destination MAC address of the gateway like R1, and ether type field just to tell that next or upper layer is IP. So this Ethernet header will have these three attributes: source MAC, destination MAC, and ether type. Ether type code, which is anything like this, hexadecimal. For this IP, so IP there is different code for our ARP. There is different code. So this Ethernet header will have these three parameters. Once this data frame reaches here to the gateway R1, so R1 first it looks at layer 2 header, and if it finds its own MAC address, the destination MAC address that this data packet belongs to me, then layer 2 header is removed, and of course this is used for the error checking purpose, and this router takes out packet from data frame. So now router will have packet now. So packet means this IP, TCP and data. So now this router will have this IP, TCP and data part. This layer 3 header, layer 4 header and layer 5 to 7. So in order to make the routing decision, the router will have to look at layer 3 header, only layer 3 header, this one. And important attribute here in order to make routing decision will be TTL value, time to leave value and destination IP address. That's all. So router will look at destination IP address and TTL, like error checking and everything is done. Then after TTL should be non-zero value, because TTL means number of hops, and destination IP address now will be checked in the routing table. Now router will check its routing table, that do I have any route for that specific destination IP, and if there have been matching route here in the routing table. So if router finds any route in local routing table for that destination, let's say 20.0.0.0, either static routing or OSPF or BGP, any kind of route, no matter, like there has to be a matching route here, that matters only. So router now checks route for the destination network, and if there have been matching route here, then here along with the route there will be like maybe via this to reach 20 network, use this next hop IP address, maybe exit interface is not there, and in case of a static routing or BGP, most likely will not have exit interface along with the next hop IP. Then we'll perform routing one more time, we'll check the routing table one more time, that how to reach 1.2.3.4 now, or 1.2.3 subnet. So maybe there is connected route for this 1.2.3 via, let's say, GIG0/2 interface. So once it determines exit interface after looking at next hop IP address, it means first step is done now. First step is done. Routing first step, that is finding out longest matching route. Longest, why longest? Because अभी इन सारी पॉइंट्स को मैं सिक्योरिटी में थोड़ा आपको कंपेयर करूंगा. लॉन्गेस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे राउटिंग टेबल में ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा रूट कहाँ पे है. अगर एक रूट पर्टिकुलर आईपी के लिए है, एक रूट नेटवर्क के लिए है, एक डिफॉल्ट रूट भी है, हो सकता है एक सबनेट रूट भी हो कुछ, तो राउटर हमेशा उस राउट को यूज करता है जिसमें लॉन्गेस्ट मैचिंग बिट्स हो, जो मोस्ट स्पेसिफिक राउट हो. इट मींस होस्ट राउट इज यूज्ड प्रीफर्ड. इफ देयर इज नो होस्ट राउट देन सबनेट का रूट, सबनेट नहीं है तो समरी नेटवर्क,
ग्रुप ऑफ सबनेट्स, ग्रुप ऑफ सबनेट्स नहीं है तो नेटवर्क की बात होती है, नेटवर्क नहीं है तो ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स विच इज सुपरनेट, एंड देन फाइनली डिफॉल्ट राउट। सो राउटिंग टेबल चेक करने का ये सीक्वेंस होता है। राउटिंग टेबल में ऐसा नहीं होता है कि जो रूट पहले मिल गया उसको वो यूज कर लेगा, जैसा कि हम लोग के फायरवॉल में भी हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि लॉन्गेस्ट मैचिंग बिट्स होना चाहिए, मीन्स जो बहुत स्पेसिफिक रूट होना चाहिए, इसीलिए फाइंडिंग आउट लॉन्गेस्ट मैचिंग रूट वहां पे मैंने लिखा था। ओके, सो इट्स ऑल डन नाउ। नाउ सेकेंड स्टेप, अब इसको पता लग गया कि ठीक है, इज माय इंग्रेस इंटरफेस एंड इग्रेस इंटरफेस इज दिस इग्रेस इंटरफेस इन स्टेप नंबर वन। नाउ दिस पैकेट इज मूव्ड टू दिस बफर ऑफ एग्जिट इंटरफेस। अब ये यहां से पैकेट को यहां पे मूव कर देगा, जिसको स्टेप नंबर टू बोलते हैं, व्हिच इज स्विचिंग मूविंग पैकेट्स बिटवीन द इंटरफेसेस। अब ये स्विचिंग सेफ स्विचिंग होगा, राउट कैसिंग होगा, फास्ट स्विचिंग होगा, प्रोसेस स्विच होगा, वो सब डिपेंड करता है राउटर में हम लोगों ने क्या क्या यूज कर रखा है, क्या नहीं यूज कर रखा है, क्या हार्डवेयर बेस्ड स्विचिंग हो रहा है या कोई सीपीयू यूज हो रहा है, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। बट समहाउ पैकेट ये यहां से मूव कर जाएगा, तो पैकेट अब मूव हो गया यहां से, और पैकेट जो मूव हुआ वो यहां चला गया। अब यहां से बाहर निकलने की बारी है, नो थर्ड स्टेप। अब यहां से जो बाहर निकलेगा वो पैकेट नहीं जाएगा, पैकेट आया भी नहीं था, फ्रेम आया था। तो ये जो पैकेट है आपका, जिसमें लेयर थ्री लेयर फोर और डेटा पार्ट है, इसको यहां पे आगे भेजना है, नेक्स्ट हॉप को भेजना है, ताकि आर वन का रोल खत्म हो। बट फॉर दैट टू हैपन नाउ दिस पैकेट मस्ट बी इनकैप्सुलेटेड, इस पैकेट का दोबारा इनकैप्सुलेशन होगा, थर्ड स्टेप दिस वन। अभी इनकैप्सुलेशन होगा तो ये जरूरी नहीं है कि इथरनेट हेडर ही लगे, डिपेंड करता है कि ये जो आर वन और आर टू के बीच में जो इंटरफेस है, जो इंटरफेस के ऊपर इनकैप्सुलेशन टाइप है, जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, बिकॉज कुड बी ट्रिपल पी, मे बी ट्रिपल पी ओवर ओई, और पुरानी टेक्नोलॉजी फ्रेम रिले, या हो सकता है इथरनेट हो, पहले HDLC भी सीरियल पे चलता था, अब इनमें से क्या है उसके अकॉर्डिंगली इनकैप्सुलेशन होगा। अगर इथरनेट हुआ तो इथरनेट में दोबारा यहाँ पे सोर्स मैच चाहिए और डेस्टिनेशन मैच चाहिए और इथर टाइप। सोर्स मैच मीन्स R1 इंटरफेस मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक इज R2 इंटरफेस मैक एड्रेस। नाउ अगेन R यहाँ से नेट होगा और R2 रिप्लाई करेगा R का, और पैकेट इनकैप्सुलेट होगा और R1 का रोल खत्म हो गया। ये तीनों स्टेप को मिला के हम लोग बोलते हैं कि राउटिंग हो गया। तो सक्सेसफुल राउटिंग के लिए नॉट ओनली राउटिंग टेबल मैटर्स, ऐसा नहीं है कि राउटर के राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन का रूट मिल गया, डेस्टिनेशन का रूट मिल गया और हम लोग बोलेंगे ठीक है जी राउटिंग हो गया, जैसे डेस्टिनेशन का रूट मिल गया कि गिग 0/2 इंटरफेस ये लिखा हुआ यहाँ पे, तो डजंट मीन कि राउट हो गया। ठीक है, यहां से पैकेट यहां पे सॉरी R1 के पास आया, 20 के लिए रूट मिल गया वाया गिग 0/2 और पता चला कि इसने डेस्टिनेशन के लिए R जनरेट किया, डेस्टिनेशन IP के लिए कि हु इज 20001 एंड दिस इंटरफेस IP एड्रेस इज 112, लेट्स से प्रॉक्सी R इज नॉट इनेबल्ड हियर ऑन R2, क्योंकि इसमें प्रॉक्सी R का रोल आएगा, क्योंकि हम लोगों ने वाया में सीधा इंटरफेस का नाम डाल दिया, तो R1 ये zoom करेगा कि ये network as if this network is directly connected or reachable, तो ये सीधे यहाँ से R generate करता है 20 के network के लिए कि who is 20001। Now let's say here at this interface level proxy R enable नहीं है, मतलब R2 के interface पे ये command चला हुआ, अगर no IP proxy R, no what will happen, R2 will not respond with this interface MAC address. It means R1 will not be able to obtain MAC address of next hop IP. So in that situation, problem will arise, but step number 3 only. It's not routing problem. Or agar, even agar hum log R1 pe debug kare, agar debug IP packet detail kare, debug maarte hain agar, conditional maarenge, kyunki aise debug kar diya to iska CPU license chala jayega high. Conditional debug kare, sirf ICMP ko debug kare. To yahan debug mein dikhayega, proper dikhayega ki encapsulation failed. प्रॉपर ऐसे ही आएगा इनकैप्सुलेशन फेल्ड, तो अगर ये एरर आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम विद द स्टेप नंबर 3। अगर राउट ही नहीं है और डीबग मारेंगे
तो वहां पे डीबग में आएगा अनराउटेबल, कि डेस्टिनेशन इज अनराउटेबल, दैट मींस देयर इज नो मैचिंग राउट हियर इन द राउटिंग टेबल. तो हम लोग राउटिंग की पर्सपेक्टिव से सिर्फ ये तीन स्टेप को ध्यान में रखते हैं, जो अभी बात हुई है, तीन स्टेप को ध्यान में हम लोग रख रहे हैं. यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है. व्हाट इन फायरवॉल, और दूसरी बात, दूसरा की पॉइंट क्या है यहाँ पे, वो ये कि राउटर ये राउटर जो है इज बाय डिफॉल्ट परमिट डिवाइस, परमिट एनी, राइट. मीन्स राउटर अगर हम लोग इन लाइन अप्लाई कर रहे हैं इसको इन लाइन, उसके बावजूद पहली बात इन लाइन डिप्लॉयमेंट में भी क्या कर रहा है, ये डिफॉल्ट परमिट डिवाइस है. व्हाट मैटर हियर इज ओनली राउटिंग केबल. तो राउटिंग केबल में रूट है तो ये डिफॉल्ट परमिट डिवाइस है, परमिट एनी डिवाइस है. इवन इन लाइन डिप्लॉयमेंट में भी कनेक्शन यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होते हैं, राइट. जो कनेक्शन होते हैं ने वो टर्मिनेट टू द डिवाइस. राउटर में कोई कनेक्शन टर्मिनेट नहीं होता है, कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, पास थ्रू होता है, पास थ्रू ओनली, जिसको हम लोग पैकेट बेस्ड डिजाइन बोल सकते हैं, पैकेट बेस्ड डिजाइन. तीसरी बात, जो इंस्पेक्शन होता है बाय डिफॉल्ट सैनिटी चेक, सैनिटी चेक क्या होता है वो मैं बताता हूँ. Is not yes 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 you may ask and client and server. So if we are concerned with the data traffic, like what we are talking about data traffic, that means connection initiated by this computer and destined to this server. So this router, which sits between computer like source and the destination, packet is passing through the device, but connection is not getting terminated. But in case of BGP, that's not like a data plane traffic, right? A kind of control plane traffic, you may term that, because here what happens, two routers directly talk to each other here. Nothing is passing through here, right? Directly they are talking to each other, and here what happens, BGP even it uses port number 179, TCP port 179. So before BGP runs on top of TCP, even though there is association with there is one-to-one relationship between BGP and TCP, because TCP is the transport protocol what BGP uses. So the very first one, like which is SYN message, kyunki BGP bhi session banne se pehle SYN message jayega yahan pe, aur SYN message mein source aur destination hoga. To yahan par to destination hi kya hoga, let's say is IP address is 112 and 111, so source IP 111, destination IP 112, source port any higher port value, let's say destination port 179. This packet that is destined to 112, तो ये तो ऑलरेडी यहीं पर destined है, right? ये तो इसी के बीच में डायरेक्टली बात हो रही है, तो ये तो यहीं पर आ रहा है, इसके आगे नहीं जाना है. हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जैसे ये कंप्यूटर है, इसका डेस्टिनेशन है facebook.com, ये एक्सेस कर रहा है वेब सर्वर को, ये एक्सेस कर रहा है किसी HTTP सर्वर को, और वो HTTP सर्वर यहां पर है इंटरनेट पे, लेकिन ये प्रिटेंड कर रहा है फायरवॉल कि आई एम द एफटीपी सर्वर, आई एम द एचटीटीपी सर्वर, यू मीट अप टू मी. फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से कुछ हो तो ये जो केस है ये डिफरेंट हो गया. क्यों? क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन फायरवॉल नहीं है, फायरवॉल इज जस्ट अ गेटवे, और आप जानते हो कि गेटवे का आईपी एड्रेस कहीं यूज नहीं होता है, हम लोग गेटवे का मैक एड्रेस यूज करते हैं सिर्फ इनकैप्सुलेशन के टाइम में, गेटवे आईपी एड्रेस नहीं यूज हो रहा है. सो मे बी माई सोर्स इज, लेट्स से माई सोर्स एड्रेस इज हियर
For example, my source address is 111 and I want to talk to this destination whose IP address is 555. But बीच में अगर डिवाइस यहाँ पर है कोई जिसको टेक्निकली हम लोग प्रॉक्सी भी बोल सकते हैं, ये क्या कह रहा है कि ये साइम 555 टॉक टू मी. इट मींस प्रिटेंडिंग और इमुलेटिंग एंड इवन इवन क्लाइंट सेंड्स लाइक आस्क दैट आई नीड टू टॉक टू एचटीटीपी सर्वर एंड इफ फायरवॉल सेज यस आई एम द एचटीटीपी सर्वर एज इट विल बी इमुलेटिंग दिस सर्विस एंड आई माय आईपी एड्रेस इज 555 फॉर एग्जांपल और आई एम abc.com कुछ भी ऐसा, तो उस केस में क्या होगा कि ये इससे बात करेगा टीसीपी थ्री वे हैंड से क्या होगा और ये टीसीपी थ्री वे हैंड से क्या होगा. ये प्रॉपर कनेक्शन टर्मिनेशन होता है जिसको हम लोग प्रॉक्सी मोड बोलते हैं. प्रॉक्सी इट मींस क्लाइंट एंड सर्वर दे बोथ विल नॉट बी टॉकिंग डायरेक्टली टू ईच अदर. सो सिंस दिस कनेक्शन इन ओरिजिनल दिस कनेक्शन वॉज नॉट मीट फॉर द फायरवॉल, फायरवॉल इज जस्ट यू नो लाइक प्रिटेंडिंग दैट आई एम द डेस्टिनेशन or just talk to me. Firewall is not letting that client to initiate or establish connection with the server. And I'm just concerned about this data plane traffic like between client and server. So in which like connection is getting terminated. अगर कोई पता है जिम का नंबर खाने खाना डेस्टिनेशन डाल के हम वही भेज रहे हैं वहीं पर कनेक्शन जाके जा रहा है तब भी कनेक्शन तो टर्मिनेट यहाँ पे हो ही रहा है. बट इसमें कोई नई बात नहीं है, प्रॉक्सी टाइप का कोई फीचर नहीं है यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं. और ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा है उसको भी थोड़ा सा और समझाता हूँ. बट लेट मी कंप्लीट दिस. अच्छा यहीं पे अगर आप देखो इसी केस में लेट्स से आर टू पे आपने कहा हुआ है, कॉन्फिगर किया हुआ है बीजीपी में नेवर और लेट्स से नेबर में 11.11.11 ऐसा कुछ कमांड चला रखा आपने. सपोज नेबर डॉट 11.11.11 यहाँ पे ये मतलब इसका लूप बैक मान लेते हैं या किसी और इंटरफेस का आईपी, इसका आईपी किसी का भी, इसका आईपी मान लेते हैं 11.11 सपोज या कोई दूसरा इंटरफेस है और R1 ने जो सिन पैकेट भेजा उसका सोर्स किया जा रहा है 111. नाउ व्हाट विल हैपन इवन दो R2 के पास गया इस पे BGP चल रहा है बट R2 सीधा क्या करेगा इसको रीसेट भेज देगा, रीसेट मारेगा. क्यों? Because what R2 will say, I'm not expecting any like SYN message from 111 because what I have been configured that my neighbor is 11.11.11. क्या टाइम इसका नहीं है? अगर मेरे पास कोई port 179 पे SYN message आ रहा है so that must be sourced from 11.11.11. Not 111 क्योंकि 111 से अगर सोर्स तो क्या आएगा तो कहीं नहीं प्रॉब्लम है. और वो इसलिए है क्योंकि बीजीपी का रोल है यहाँ पे, ये नहीं कि ये इंडिपेंडेंट टीसीपी बन रहा है, ये इंडिपेंडेंट टीसीपी कनेक्शन नहीं बन रहा विथ रेस्पेक्ट टू बीजीपी. सो बीजीपी यूजेस टीसीपी एज द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. तो इस केस में आपने देखा भी होगा कि बीजीपी में एक कमांड आप चलाते हो अपडेट सोर्स एंड देन लूप बैक जीरो या लूप बैक वन या लूप बैक टू या अपडेट सोर्स सीरियल जीरो स्लैश वन व्हाटएवर लाइक. सो दैट कमांड क्यों चलाते हैं हम लोग? इसीलिए ताकि सोर्स एड्रेस वही लग के जाए जो आर टू एक्सपेक्ट कर रहा होगा, अदरवाइज यहाँ पर भी ये टीसीपी सेशन नहीं बनता है, रिसेट मार देता है वो. हालांकि ये टीसीपी कनेक्शन की बात हो रही है बट चूंकि बीजीपी ट्रांसपोर्ट में टीसीपी को यूज कर रहा है तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स को तो बीजीपी ही कंट्रोल कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं इन कंजंक्शन विद बीजीपी चल रहा होता है. सो कमिंग बैक टू दिस ओरिजिनल पॉइंट जो मैं यहाँ पे क्यों लिखना चाह रहा था, जो टर्मिनेशन की बात थी वो इसलिए कह रहा था मैं कि अब आप देखो जो भी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको कि अगर ये क्लाइंट है आपका, नाउ इफ दिस क्लाइंट wants to talk to this facebook.com server, कहीं इंटरनेट पे होगा ये, तो ये क्लाइंट इससे बात करना चाह रहा है. जैसे इसका पहला पैकेट आएगा SSL में, जब हम लोग HTTPS करके खोलते हैं तो बेसिकली वहां पे SSL टनल बनता है, तो SSL टनल में भी जो आगे डिटेल में मैं बात कर लूंगा बट वैसे जो पहला पैकेट आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट SSL हेलो मैसेज टनल बनाने के लिए. तो ये एक तरीके से जो मैसेज है वो टनल बनाने के लिए कह रहा है facebook.com से. यहां फायरवॉल लगा हुआ है, अब ये फायरवॉल क्या करेगा, ये बोलेगा यस आई एम facebook.com टॉक टू मी और ये क्या करेगा यहीं से इसके साथ निगोशिएशन शुरू कर देगा. जबकि ये पैकेट इसके लिए नहीं था, ये तो एक जरिया था जिसके थ्रू जाना था.
एज अ गेटवे बट नॉट द एक्चुअल डेस्टिनेशन. लेकिन ये इसके साथ निगोशिएट करेगा, प्रिटेंड करेगा कि यस एज इफ दिस इज द facebook.com. और अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया एक टनल बनाने के लिए इसके बीच में, और ये फिर क्लाइंट के बिहाफ पे फेसबुक से बात करेगा, क्लाइंट के बिहाफ से. तो अब आप देखो ध्यान से, दो टनल बन गया. अब जो फेसबुक इनक्रिप्ट करके भेजेगा वो फायरवॉल डिक्रिप्ट करेगा, फिर फायरवॉल रीइनक्रिप्ट करेगा, क्लाइंट डिक्रिप्ट करेगा. क्लाइंट इनक्रिप्ट करके भेज रहा है, सोच रहा है मैं तो फेसबुक खोल रहा हूँ, इसमें सिक्योर साइट, और यहाँ से कोई वीडियो अपलोड कर रहा है. अब फायरवॉल यहाँ से बिल्कुल चेक कर सकता है कि आप फेसबुक के अंदर क्या एक्टिविटी कर रहे हो. अगर यहाँ पर वो वैलिड हुआ, अलाउड एक्टिविटी हुआ, तो जाने देगा. यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉक्सी सर्वर, फॉरवर्ड प्रॉक्सी. तो ये हम लोग कह सकते हैं कि कनेक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हुआ. वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कनेक्शन था नहीं इसके लिए, किसी और डेस्टिनेशन के लिए था, राइट. तो जो बीजेपी का केस था वो तो उसी के लिए ही था एक तरीके से, वो तो वहीं पे वैसे भी टर्मिनेट होना था, क्योंकि हम लोग टारगेट करके भेजते हैं, टारगेटेड होता है, राइट. ओके गुड, ऑलराइट. या इवन देखा होगा आपने बीजेपी में, तो यहां तक होता है कि ये आर वन यहाँ बैठा हुआ है, आर टू यहाँ है, आर थ्री यहाँ है, आर फोर यहाँ है, तो हम लोग तो सीधे यहाँ से यहाँ भी टनल बना देते हैं, और सॉरी बीजेपी सेशन, और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. ओनली आईपी ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज पॉसिबल. ये हो सकता है यहाँ पे, और होता भी है, मल्टी होप नेवरशिप बनाते हैं हम लोग, बिकॉज ओनली ट्रांसपोर्ट शुड बी देयर, नथिंग एल्स. ओके एंड सो यू अंडरस्टैंड नाउ, दैट्स गुड, कि कनेक्शन नेवर टर्मिनेट टू द डिवाइस, क्योंकि यूजुअली कनेक्शन कभी भी राउटर पे टर्मिनेट नहीं होता है. उस कनेक्शन के बारे में बात हो रही है जो उसके लिए नहीं है, राइट. जो उसके लिए वो तो हमेशा टर्मिनेट होगा. अच्छा, यहीं पर एक छोटा सा और पॉइंट में आई मस्ट ब्रॉट टू योर नोटिस कि छोटी सी बात है, अलग ही बहुत छोटी सी बात है. जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्विच इज अ लेयर टू डिवाइस, राउटर लेयर थ्री डिवाइस है, ये भी हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं जो ट्रैफिक पास होता है उसके लिए बताते हैं हम लोग, पासिंग वाले ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक पासिंग थ्रू द डिवाइस, उसके लिए हम लोग ये सब बात करते हैं कि ट्रैफिक पासिंग थ्रू द डिवाइस. हम लोग उसके लिए नहीं बात करते हैं जो ट्रैफिक उसी के लिए हो. फॉर एग्जाम्पल, इवन दो इफ आई हैव अ लेयर टू स्विच एंड आई एम सिटिंग हियर, और मैं यहां से स्विच को टेलनेट मारता हूं तो एक्सेस हो जाएगा, जबकि टेलनेट इटसेल्फ इज व्हाट, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, लेयर 7 प्रोटोकॉल, बट स्विच इज एक्सेप्टिंग कनेक्शन. व्हाई? बिकॉज़ जब हम लोग स्विच को टेलनेट मारते हैं, इसके वीजन 1 को टेलनेट मारते हैं, तो स्विच अंडरस्टैंड दैट दिस डेटा फ्रेम इज फॉर मी ओनली. So if device finds its own MAC address in layer 2 MAC header, and then finally अगर कोई device है वो layer 3 पे जाता है, उसको अपना IP मिल जाता है, फिर वो layer 4 पे जाता है, check करता है कि कौन सा port है, फिर वो application data पे जाता है. तो उस तरीके से बात की जाए तो जो भी devices होते हैं they operate up to layer 7. बट फिर भी हम लोग स्विच को layer 7 device क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उस traffic को consideration में लेते हैं जो traffic उस device के through pass होता है. इट मीन्स हम लोग सिर्फ ये बात करते हैं कि अगर एक स्विच है और एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, अगर यहाँ से जो ट्रैफिक इसके लिए है जो स्विच के लिए नहीं है, उसमें स्विच का क्या रोल होगा. सो ओनली लेयर 2 फॉरवर्डिंग, मैक एड्रेस फॉरवर्डिंग, लेयर 2 मैक एड्रेस पे वो फॉरवर्ड कर देगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्विच इज अ लेयर 2 डिवाइस. लेकिन अगर कोई ट्रैफिक मैं डिवाइस के लिए भेज रहा हूँ, डिवाइस के लिए, तब तो ये लेयर 7 तक जाएगा. तो ही केस यहाँ पे था. एनीवे, ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक बाय डिफॉल्ट सैनिटी चेक इज नॉट परफॉर्म्ड और डन. व्हाट इज सैनिटी चेक नाउ? तो थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे चलें, अगर तो आप पैकेट को थोड़ा समझने की कोशिश करें हम लोग, जो पैकेट की बात हो रही है. तो यहां पे आपका लेयर 3 से स्टार्ट करें अगर हम लोग, तो ये आईपी हेडर है आपका, आईपी हेडर एंड देन टीसीपी, मे बी यूडीपी हेडर भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली टीसीपी, टीसीपी या यूडीपी हेडर होगा. लेयर 4 में कुछ और भी हो सकता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि यही होगा. एंड देन डेटा पार्ट, राइट. ये नामली हम लोग का एक पैकेट के बारे में बात हो रही है.
अब जो आईपी हेडर है जिसको हम लोग लेयर थ्री हेडर बोल रहे हैं बार बार, ये लेयर फोर हो गया आपका, लेयर फोर हेडर, एल फोर लेयर फोर, एंड दिस इज लेयर सेवन, फाइव टू सेवन, तो फाइव टू सेवन, ओके। तो लेयर थ्री में क्या क्या होता है? सोर्स आईपी हो सकता है, डेस्टिनेशन आईपी, टीटीएल टाइम टू लीव, टाइप ऑफ सर्विस विच इज फॉर द क्यूएस, सॉरी प्रोटोकॉल नंबर विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फील्ड हियर, प्रोटोकॉल नंबर होता है यहाँ पे, क्या प्रोटोकॉल नंबर है इसका, लेंथ पैकेट का लेंथ कितना है, अगर फ्रेगमेंटेशन है तो डी बिट होता है इसके अंदर, डी बिट क्या होगा क्या नहीं है, ये सारी पैरामीटर्स इसके अंदर जो आपका लेयर थ्री है इसके अंदर होते हैं। हालांकि क्या राउटर राउटिंग के लिए सबको चेक करता है वो एक कंसीडरेशन का पॉइंट है, और यहाँ पे एटलीस्ट सोर्स पोर्ट होगा, टीसीपी में बात करें हम लोग तो डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, और अगर टीसीपी बेस्ड हुआ तो यहाँ पे फिर सिक्वेंस नंबर ये सब, बट टीसीपी के केस में तो अगर इसके बाद अगर यूडीपी में तो खैर यही होगा, लेकिन अगर हम लोग टीसीपी की बात करें टीसीपी में तो यहाँ पे फिर इसका टीसीपी का फ्लैग होगा, फ्लैग लाइक कि सिन या जो भी बात हो रही है एक्ट एटसेट्रा, ऐसे फ्लैग होंगे यहाँ पे, प्लस टीसीपी के केस में सीक्वेंस नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, ये सारी फील्ड यहाँ पे होती है। अब सवाल उठता है कि क्या राउटर राउटिंग करते वक्त पहली बात सोर्स आईपी को कंसीडरेशन में लेता है? तो बाय डिफॉल्ट नो। डज इट चेक दैट सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी बोथ आर सेम? नो। क्या ये चेक करता है कि इसके अंदर एक आईपी ऑप्शन फील्ड होता है? ऑप्शन फील्ड में कोई डाटा तो नहीं है, क्योंकि ये कई बार डेंजरस होता है, ये कुछ हैकर्स भी यूज करते हैं इस फील्ड को, आईपी ऑप्शन फील्ड को। सो चेक दैट देयर इज एनी वैल्यू हियर इन आईपी ऑप्शन फील्ड? नो। इट मींस राउटर ये नहीं चेक करता है कि पैकेट नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, राउटिंग के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात कर रहे हैं कि राउटर ये नहीं चेक कर रहा है कि पैकेट नीट एंड क्लीन है कि नहीं, मतलब नो सैनिटी चेक, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है इसे? अब हम सोचो फॉर एग्जांपल अगर किसी पैकेट का सोर्स आईपी 10.0.0.1 हुआ मान लेते हैं, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन में 10.0.0.1 है, तो डेफिनेटली इस क्लियर केस, क्लियर कट केस ऑफ मल परफॉर्म पैकेट, बट बिकॉज विदाउट स्पूफिंग दैट इज नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी दोनों सेम हो, और ये अटैकर हो सकता है जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, क्योंकि एक अटैक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक। ये जो लैन डॉस अटैक होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये एक छोटा सा अटैक हो सकता है, ये और कैसे हो सकता है? तो बेसिकली डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये क्या होता है? अगर कोई पैकेट भेजा जाए जिसका सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी दोनों सेम हो तो होगा क्या? अभी जस्ट मैं एक भूमिका एक तरीके से बना रहा हूँ कि हम लोग सिक्योरिटी या फायरवॉल क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्या फायरवॉल में डिफरेंट होता है जो इस राउटर में नहीं होता है, क्योंकि फायरवॉल भी जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक तरीके से सिक्योरिटी गेटवे ही है, नेटवर्क फायरवॉल पढ़ रहे हैं तो उसको भी हम लोग गेटवे ही बोलते हैं, बट एक टर्म यूज करते हैं सिक्योरिटी गेटवे, नॉट ओनली गेटवे, और जो राउटर है वो सिर्फ गेटवे है, तो सिक्योरिटी गेटवे में बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, फिर राउटिंग ये भी करेगा, वो राउटिंग के वही तीन स्टेप यहाँ पे उसमें कोई फर्क नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फायरवॉल विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ अदर जॉब, बहुत सारी और चीजें चेक करता है, कुछ हम लोग पॉलिसी लगाएंगे तो करेगा और बिना कुछ पॉलिसी के भी करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये नेटवर्क है, नेटवर्क में एक सर्वर है और इसका आईपी है 10.0.0.1, और भी कंप्यूटर्स होंगे यहाँ पे, कुछ पैकेट मलफॉर्म करके किसी डिवाइस के थ्रू
अगर इसके पास भेजा जाए लेट्स से आईएसएमपी पैकेट है, पिंग पैकेट लगातार भेजा जाए कॉन्टिन्यूस, और बड़ा सा पिंग पैकेट भेजा जाए बिग साइज बड़ा करके, पैकेट यहाँ गया एंड सोर्सिंग विद 10.0.0.1 इज द सर्वर आईपी एड्रेस। और पिंग में क्या होता है कि दो पैकेट जाता है, तो जाता बेसिकली उसको हम लोग इको रिक्वेस्ट बोलते हैं, जिसका आईसीएमपी टाइप 8 और कोड 0 होता है, जो पिंग पैकेट होता है टाइप 8 एंड कोड 0। और जो रिप्लाई पैकेट होता है इज डिफरेंट पैकेट, क्योंकि इको रिप्लाई का आईसीएमपी टाइप 0 और एंड कोड 0 होता है, सो रिप्लाई इज डिफरेंट। और ये कैसे पता लगता है कि रिक्वेस्ट या रिप्लाई के बारे में, तो जो भी पैकेट होता है वो आईसीएमपी अगर पैकेट होता है तो उसका कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है आईसीएमपी में, आईसीएमपी का आईसीएमपी में कुछ ऐसा होगा आईपी, और इसमें टीसीपी या यूडीपी नहीं होगा क्योंकि ये तो सीधे आईसीएमपी आईपी के अंदर इनकैप्सुलेट हो जाता है, ऐसे होता है। और इस आईसीएमपी के अंदर देखा जाए तो एक आईसीएमपी का हेडर होगा और एक डाटा पार्ट होता है, कितना डाटा भेज रहे हम लोग, जैसे कि हेडर के अंदर आईसीएमपी टाइप, आईसीएमपी कोड, सीक्वेंस नंबर और चेकसम, ये सब आईसीएमपी के अंदर होता है। तो जैसे जैसे अगर आप सिस्को राउटर में अगर किसी को पिंग करते हो, आप जैसे आपने कहा पिंग 1.1.2 दिस आईपी एड्रेस, तो बाय डिफॉल्ट 100 बाइट्स का पैकेट जाता है, बट 100 बाइट्स में आईपी हेडर 20 बाइट्स का होता है और आईसीएमपी का हेडर 8 बाइट्स का होता है, यानी कि डेटा पोर्शन कितना हुआ, तो 100 माइनस 20 प्लस 8, 20 इज आईपी हेडर, 8 इज आईसीएमपी हेडर, 28, इट मींस एक्चुअल जो डेटा होता है वो 72 बाइट्स का होता है, सिर्फ 72 बाइट्स का आईसीएमपी में। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे आईसीएमपी की जैसे बात कर रहे हैं कि आईसीएमपी जो पैकेट गया, तो इस टाइप में जो इको रिक्वेस्ट होता है उसका जो टाइप होता है उसका टाइप वो उसका जो टाइप होता है ये 8 होता है और कोड 0 होता है। टाइप और कोड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपने देखा होगा आईसीएमपी में कई बार डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, डेस्टिनेशन नेट अनरीचेबल, पोर्ट अनरीचेबल, प्रोटोकॉल अनरीचेबल, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं आईसीएमपी रीडायरेक्ट, ये क्योंकि इसके सबके अलग मतलब होते हैं। जैसे कोई भी टाइप 3 हो मतलब उसका अनरीचेबल होता है, बट अनरीचेबल में भी नेट होस्ट कोड पोर्ट या प्रोटोकॉल अलग अलग कोड होते हैं। फिर तो टाइप 3 का मतलब तो हो गया आईसीएमपी अनरीचेबल, बट व्हाट इज अनरीचेबल, नेटवर्क होस्ट पोर्ट या प्रोटोकॉल, तो अलग अलग उसके लिए कोड होते हैं। तो मेरा सिर्फ अभी एक ही पर्पस था यहाँ पे इन सारी बातों का, वो ये कि अगर यहां से इस जो बंदा था जिसने मल परफॉर्म किया पैकेट को स्पूफ्ड किया और यहाँ पे पैकेट भेज दिया, यहाँ पे टाइप 8 और कोड 0 लगा के मतलब इको रिक्वेस्ट, तो ये मशीन उसका रिप्लाई जनरेट करेगा, ये रिप्लाई जनरेट करेगा इको रिप्लाई, और रिप्लाई ऑलवेज जनरेटेड टू द सेम आईपी एंड फ्रॉम सेम आईपी। तो टेक्निकली तो ये कहीं पैकेट गया ही नहीं, यहीं पर रह गया, बट सवाल क्या होता है कि इसका सीपीयू तो यूज हो गया क्योंकि रिप्लाई इसने जनरेट किया पैकेट, और हो सकता है अटैकर का यही पर्पज था कि सर्वर को इंगेज कर देना, इसके रिसोर्स को एग्जॉस्ट कर देना। अब ये प्रॉब्लम क्या हुआ, क्योंकि जो भी इधर डिवाइस था उसने चेक ही नहीं किया राउटिंग करते वक्त सोर्स को। अगर ऐसा कुछ इंटेलिजेंस होता कि ये सोर्स को चेक करता और इसको समझ में आ जाता कि अगर कोई पैकेट आ रहा है तो हाउ दिस कुड बी पॉसिबल, लाइक कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों सेम हो, सो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर वो डिवाइस यहीं पे डिस्कार्ड कर देता रादर देन राउटिंग पैकेट टू द नेटवर्क, तो शायद चीजों को कंट्रोल किया सकता था। या मान लेते हैं कि यहाँ पे पैकेट का लेंथ लिखा हुआ है कि पैकेट का लेंथ इतने बाइट्स का होगा, कोई भी बाइट्स का, लेट्स से 1200 बाइट्स का, एक्चुअल में पैकेट 1200 बाइट्स का है ही नहीं है, जो पेलोड है वो कम हो रहा है, तो अभी कुछ मिसमैच हो रहा है क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि 1200 बाइट्स और एक्चुअल में 1200 बाइट्स नहीं है। या टीसीपी फ्लैग में भी जाए या और कोई चीज, आईपी हेडर में ऑप्शन फील्ड होता है, यूजुअली इसमें कोई डाटा नहीं होता ऑप्शन फील्ड के अंदर, यूजुअली
लेकिन मैक्सिमम फायरवॉल क्या होते हैं, अगर इसके अंदर कोई डाटा फाइंड करते हैं तो वो डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इसके अंदर कोई डाटा नहीं होना चाहिए, डाटा है मतलब कुछ गड़बड़ है। जैसे मैं बताऊं आपको कि हम लोग भी कई बार यूज करते हैं हालांकि इस फील्ड को, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आई बिलीव कि यू मे को रिलेट टू दैट। लेट्स से आपके पास एक राउटर है यहाँ पे और एक और राउटर है और एक और राउटर है यहाँ पे और यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है लेट्स से 30.0.0.1 एंड हियर मे बी सॉरी अनदर राउटर हियर R4 एंड देन IP address. I'm sitting here on R1 and just I want to know ki if I want to reach 30.0.0.1, so which path R1 is going to take. To maine kya kiya, R1 pe jaake trace route command chala diya, trace route 30.0.0.1. तो आउटपुट में लेट्स से यहाँ पे आ गया कि पहला होप 12002 एंड देन दूसरा होप 23003, दो होप दिखा दिया इसमें, और ये आईपी 12002 है और ये 23003 है। तो ठीक है, नाउ आई आई एम 100% श्योर दैट R1 इज टेकिंग दिस पाथ वाय R2 एंड R3 सॉरी। और मेरा जो नेटवर्क है, और मैंने R1 पे जब टेस्ट रूट किया तो अपने नेटवर्क से सोर्स करके किया, मेरे मान लेते हैं कि मेरा कोई आईपी इधर 10 का, इधर मेरा पूरा नेटवर्क 10 का। एट द सेम टाइम आई वांट टू इंश्योर दैट इफ R3 वुड बी राउटिंग बैक टू मी लाइक R3 टू R1, सो वेदर R3 इज आल्सो टेकिंग द सेम राउट और डिफरेंट राउट, बिकॉज मे बी कि R3 के राउटिंग टेबल में मैंने ऐसा रूट हो सकता डाला हो, स्टैटिक रूट ही डाला हुआ है कि टू राउट बैक टू दिस नेटवर्क, अगर कोई पैकेट 10 के लिए ओरिजिनेट हो रहा है तो नेक्स्ट स्टॉप ये होना चाहिए 34004 ये एंड देन दिस। तो R3 हालांकि ऐसा हमें करना नहीं चाहिए क्योंकि ये असिमेट्रिक राउटिंग हो रहा है, बट लेट्स से कि R3 के एडमिनिस्ट्रेटर ने राउट डाला R1 के लिए जो स्टैटिक वो वाया R4 और R1 पे जो मैंने रूट डाला है वो वाया R2। अब मैं R1 पे बैठा हूं, मैं मेरे पास R3 का एक्सेस नहीं है, आई कैन नॉट एक्सक्यूट द R1 लॉन्च द सेम प्रोग्राम ट्रेस राउट फ्रॉम R3 टू R1। लेट्स से आई डोंट हैव एक्सेस टू दैट राउटर एंड आई वांट टू फिगर इट आउट व्हिच पाथ R3 वुड बी टेकिंग टू राउट बैक टू मी 10.0.0.0 network and I'm under R1, so trace route is will not reveal this like ki, was R3 routing table, how does R3 routing back to me. So क्या तरीका हो सकता है कि वो ट्रेस रूट से, तो मुश्किल है, ट्रेस रूट तो एक तरीके से मेरे राउटिंग टेबल के पर्सपेक्टिव से बता रहा है हाउ आई एम राउटिंग टू 30 नेटवर्क, मुझे ये जानना 30 कैसे वापस आ रहा है, तो इसका एक तरीका क्या हो सकता है, और इसका एक तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग पिंग कमांड को यूज करें, पिंग कमांड से ये पता लग जाएगा, राइट? कैसे बताता हूं मैं आपको, पिंग कमांड से ये पता लग जाएगा, और वो कैसे, क्योंकि अगर मैंने R1 पे जाके पिंग कमांड यूज किया एक्सटेंडेड पिंग, तो पिंग के बाद एंटर मार दिया क्योंकि मुझे एक्सटेंडेड पिंग यूज करना है जहां पे डिफरेंट ऑप्शंस पूछता वो एक्सटेंडेड, तो एक्सटेंडेड पिंग में एक ऑप्शन आएगा आपके पास रिकॉर्ड राउट का, इसको आपको इनेबल करना है रिकॉर्ड राउट का। रिकॉर्ड राउट का मतलब क्या हुआ कि जिस जिस रास्ते से ये जा रहा है वो सारे रूट को नेक्स्ट होप को रिकॉर्ड कर लेगा, मींस हम लोग को आउटपुट में ऐसा दिख जाएगा कि ये 12002 पे गया तो उसके बाद 23003 पे गया, और फिर अगर ऐसा दिख रहा है और फिर ऐसा दिख रहा है ऐसे आउटपुट में, तो हम लोग को पता लग गया कि पैकेट गया किसी और रास्ते से, आया किसी और रास्ते से, क्योंकि ये दिख रहा है रिकॉर्ड राउट मीन्स पूरा एक सर्कल जो कंप्लीट हुआ उस राउट को रिकॉर्ड कर लेगा। पर सवाल होता है इसकी वैल्यू जाता कहां पे, ये रिकॉर्ड राउट कहां डाला जाता है, हियर जो आईपी हेडर में आईपी हेडर में जो एक ऑप्शन फील्ड होता है, अगर हम लोग वायर्स कैप्चर करें
तो इवन वी मे फाइंड आउट दिस, ऑप्शन फील्ड के अंदर जो भी नेक्स्ट होप एड्रेसेस होते हैं वो सारे रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन फील्ड जो कि जनरली ब्लैंक होता है उसके अंदर कुछ डाटा होगा। लेकिन अगर कोई फायरवॉल बीच में हुआ तो हो सकता है कि ये मेरा एक्सटेंडेड पिंग जो रिकॉर्ड राउट ऑप्शन यूज कर रहा हूँ वो ना काम करे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फायरवॉल सस्पिशियस हो जाते हैं, वो बोलते नहीं ऑप्शन फील्ड में कुछ डाटा है, मतलब समथिंग गड़बड़ है, कुछ कुछ अटैकर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ कोड यहाँ पर लगा भेज रहा है। एक तरीके से सैनिटी चेक का ही पार्ट हो गया। इसके अलावा मैं जो ये सारा फायरवॉल में मैक्सिमम फायरवॉल में डिफॉल्ट होता है, हमें कुछ नहीं इनेबल करना होता है सैनिटी चेक। लेट्स से इट्स माय फायरवॉल, नॉट राउटर हियर दिस टाइम, फायरवॉल एंड my internal interface IP address belongs to 10 IP subnet. A packet arrives here on external interface and it claims that my source IP address belongs to this IP subnet. Now firewall understand how this could be possible. कि अगर कोई packet बाहर वाले interface पे आ रहा है और वो claim कर रहा है that my source IP address belongs to 10 IP subnet, your internal network side, तो फायरवॉल अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग लाइक रॉन्ग विद इट, और ये क्या करता है, इसको डिस्कार्ड कर देगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी स्पूफिंग। ये हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि राउटर में हम बिल्कुल कर ही नहीं सकते ये सब कुछ, भाई राउटर में भी सोर्स बेस्ड राउटिंग करा सकते हैं विच इज पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। राउटर में भी हम लोग यूनिकास्ट रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग कर सकते हैं इन ऑर्डर टू वेरीफाई लाइक व्हाट इज सोर्स आईपी एड्रेस, उसका रूट है कि नहीं। कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करके कुछ हद तक हम इन चीजों को कर सकते हैं, 100% तो नहीं कर सकते हैं, बट कुछ एडिशनल चीजों के थ्रू हम लोग कुछ और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट फायरवॉल में तो एक तरीके से डिफॉल्ट बिहेवियर है मैक्सिमम फायरवॉल्स में। अलग अभी आज तो मैं पालो अल्टो की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल एक डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, जस्ट जनरल राउटर और फायरवॉल क्या डिफरेंसेस हैं। हालांकि फायरवॉल भी नहीं, अभी तो मैं राउटर की लिमिटेशन बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, और फायरवॉल की क्या एडवांटेजेस है वो और डिटेल में कल बात होगी। मैंने पहले बताया कि शुरू के एक दो क्लासेस में आपको थोड़ा बेसिक्स कराऊंगा, स्ट्रेट अवे आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द पालो अल्टो फायरवॉल, क्योंकि एक बार अगर आपका बेस बन गया यू अंडरस्टैंड लाइक एग्जैक्टली टेक्निकल क्या क्या डिफरेंसेज हैं। हम लोग आगे चल के यूज करेंगे ये टर्म्स, लीगेसी फायरवॉल्स, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन, स्टेटलेस बिहेवियर। तो पहले ये सारे टर्म्स पता चल जाने चाहिए आपको, डीएमजी डीमिलिटराइज जोन। तो ये सारे मेरा पर्पज वही है कि पहले ये सारा टर्म्स आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसीलिए मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट भी कर रहा हूँ, ये किया मैंने। तो यहाँ पे कमिंग बैक टू दिस, तो जो फायरवॉल्स होते हैं मैक्सिमम फायरवॉल्स में ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। ऐसी लेयर फोर रीडर में, लेट्स से ये टीसीपी बेस्ड कोई पैकेट है, एक फायरवॉल के पास कोई पैकेट आया और फायरवॉल ने इस टीसीपी हेडर को ओपन किया, और टीसीपी हेडर में फ्लैग्स होते हैं, लेट्स से एक सीन फ्लैग था। अब सिन फ्लैग के साथ एक लग सकता है सिन एक, या सिर्फ एक हो सकता है, लेकिन सिन के साथ साथ फिन नहीं लग सकता है, या सिन के साथ साथ तो कुछ और जो फ्लैग्स हैं पुश फ्लैग हैं या कुछ और फ्लैग होते हैं, मतलब दो फ्लैग जो कंट्राडिक्ट करेंगे वो तो एक साथ नहीं हो सकते हैं कि सिन फ्लैग भी लगाओ और रीसेट भी लगाओ, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो टीसीपी के फ्लैग्स होते हैं इनके कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, सो फायरवॉल अंडरस्टैंड कि अगर कोई वाकई सिन पैकेट है तो साथ में रीसेट लग के क्यों आएगा, ऐसा ही तो इनवैलिड कॉम्बिनेशन है फ्लैग का। सो अगेन इट ड्रॉप्स, यहाँ पे ड्रॉप कर देगा विदाउट चेकिंग एनी सिक्योरिटी पॉलिसी, विदाउट चेकिंग एनी रूल, विदाउट चेकिंग एनी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और दूसरी बात, एक तो ये हो गया कि अगर हम लोग फायरवॉल लगाएंगे बीच में तो ये सिक्योरिटी गेटवे है, ये भी डिफरेंट नेटवर्क्स में पैकेट को राउट कर रहा है, नेटवर्क फायरवॉल है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत सारी और चेकिंग को परफॉर्म कर रहा है। आईपी हेडर में चेक करके ये देख रहा है कि पैकेट नीट एंड क्लीन है कि नहीं, टीसीपी हेडर में कुछ इनवैलिड कॉम्बिनेशन तो नहीं है, और कुछ ट्रैफिक के लिए ये कनेक्शन को पर्टिकुलरली SSL या SSH के लिए ये कनेक्शन को टर्मिनेट भी करता है। अगर ये सारे कनेक्शन को टर्मिनेट करता तब हम लोग इसको प्रॉक्सी सर्वर ही बोल देते प्रॉपर, जैसे कि आपका लोड बैलेंसर है 5LTM, वो सारी कनेक्शंस को टर्मिनेट करता है, बाकी प्रॉक्सी सर्वर्स हैं। लेकिन फायरवॉल फिलहाल सिर्फ SSL कनेक्शन को, वो भी अगर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे तो
उसको टर्मिनेट कर सकता है और करता है. और वो क्यों करवाएंगे हम लोग टर्मिनेट, ताकि ये प्रॉपर इंस्पेक्ट कर सके. तो ऐसा भी नहीं है कि फायरवॉल टर्मिनेट्स ऑल कनेक्शंस, नो वो भी ट्रू नहीं है. जो नॉर्मल फायरवॉल्स हैं सारे कनेक्शंस को टर्मिनेट नहीं करते हैं, सारे कनेक्शंस के लिए मैन इन मिडल की तरह काम नहीं करते हैं, जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है. लेकिन जो सिक्योर कम्युनिकेशंस होता है उसको वो अपने एंड पे ही टर्मिनेट कर देते हैं, एंड टू एंड टनल नहीं एस्टेब्लिश करने देते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, इन ऑर्डर टू इंस्पेक्ट इंक्रिप्टेड ट्रैफिक. वो हम लोग आगे चल के देखेंगे किस तरीके से. लेकिन कुछ ऐसे डिवाइसेज भी हैं जैसे F5 LTM, वो तो ये कहता है कि कोई भी कनेक्शन है क्लाइंट सर्वर से बात ही नहीं करेगा डायरेक्टली, नेवर, राइट. F5 जो है LTM वो कहता प्लीज टॉक टू मी, प्लीज टॉक टू मी, प्लीज टॉक टू मी, एंड आई विल बी टॉकिंग टू दीज सर्वर्स ऑन बिहाफ ऑफ यू, एंड नो मैटर लाइक व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक इट इज. सो इज प्रॉपर प्रॉक्सी डिवाइस, रिवर्स प्रॉक्सी बोलते हैं हम लोग. ये आगे जब LTM शुरू करेंगे तो बात करेंगे. क्यों प्रॉक्सी का मतलब भी होता है एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स. लेकिन अभी जो पालो अल्टो या चेक पॉइंट फायरवॉल की बात करेंगे, ये प्रॉक्सी होता है सिर्फ SSL के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, फिर Only SSL forward proxy, SSL communication के लिए. तो थोड़ा सा फर्क है, but SSL के लिए ही सही, at least connection तो यहाँ terminate होगा फिर वहाँ पे उस केस में. तो जो आपके security appliances हैं, sorry, security gateways हैं, ये भी gateway ही हैं दो network के बीच में, but gateway के अलावा, routing के अलावा, different various security checks होता है यहाँ पे. पैकेट को चेक किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है नीट एंड क्लीन है कि नहीं. कुछ अगर इनकंसिस्टेंट बिहेवियर दिखेगा तो वो यहीं पे ड्रॉप कर देगा. एंटी स्पूफिंग चेक कर रहा है, सैनिटी चेक हो रहा है, कुछ कनेक्शंस को टर्मिनेट भी करता है यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम पासिंग थ्रू द डिवाइस. ये सारे फीचर्स हम लोग सिक्योरिटी गेटवे में या नेटवर्क फायरवॉल में, नेटवर्क फायरवॉल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस नेटवर्क फायरवॉल में हम लोग आगे चल के इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसके अंदर है. बट ये सारे फीचर्स आपको सिक्योरिटी गेटवे के अंदर मिलेगा जो हम लोग फायरवॉल यहाँ पे यूज कर रहे हैं. और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो भी आज बात नहीं की हम लोग, कल करेंगे, वो होगा स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन, SPI. तो वो एग्जैक्टली क्या होता है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उस फीचर को होगा. लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि है ये सिक्योरिटी गेटवे डिवाइस, राउटिंग यहाँ भी हो रहा है और फायरवॉलिंग भी हो रहा है, राउटर पे भी दोनों काम होता है, राउटिंग है और राउटर पे भी iOS बेस्ड फायरवॉल होते हैं, तो दोनों में दोनों काम होता है. बट फर्क क्या होता है कि ये चूंकि फायरवॉल डेडिकेटेड फायरवॉलिंग की बना हुआ है, तो फायरवॉल के सारे फीचर हैं, राउटिंग की थोड़ी लिमिटेशन होती है. राउटर मेनली राउटिंग के लिए बना हुआ है, तो राउटिंग की एडवांस राउटिंग होगी, फायरवॉल में थोड़ी लिमिटेशन होती है, ये जरूर फर्क है. तो दे बोथ कैन डू राउटिंग एंड फायरवॉलिंग, बोथ फायरवॉल एंड राउटर. बट सवाल ये उठता है कि दोनों में स्पेशली ये डिजाइन किस लिए किया गया है. तो फायरवॉल को स्पेशली डिजाइन किया गया फायरवॉलिंग के लिए. जैसे कि जो सिस्को का ASA फायरवॉल होता है, वो पुराना जो था वो BGP सपोर्ट नहीं करता, वो दो राउट विद द सेम AD वैल्यू टू टू डिफरेंट ISP नॉट सपोर्टेड, व्हिच इज ISP लोड बैलेंसिंग सॉर्ट ऑफ थिंग. बहुत सारे और भी जो राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है OSPF, उसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं. जैसे उसमें सिर्फ स्टब एरिया सपोर्टेड होगा, टोटली स्टब एरिया सपोर्टेड नहीं है, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं. GRE टनल सपोर्ट नहीं करता है ASA के ऊपर. वही राउटर की बात की जाए तो राउटर में BGP सपोर्टेड है, OSPF में कंप्लीट सपोर्टेड है, सारे फीचर्स हैं. आप चाहे GRE टनल बनाओ, DM VPN सब कुछ सपोर्टेड है, जितने राउटिंग के फीचर्स होते हैं. अब लेकिन कुछ वेंडर जरूर हैं आजकल, जैसे पालो अल्टो या चेक पॉइंट, वो ये कहते हैं कि मेरा फायरवॉल लो, इसके अंदर फुल राउटिंग फुल फायरवॉलिंग है. बट क्लेम जरूर वो करते हैं, बट अभी भी राउटिंग में लिमिटेशंस हैं. इवन पालो अल्टो फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल, इट डज सपोर्ट BGP. यस, दैट्स करेक्ट, इट BGP इज सपोर्टेड हियर इन पालो अल्टो एंड चेक पॉइंट, बट लिमिटेशंस हैं. सारे BGP के एट्रीब्यूट्स, सारे फीचर्स, सब कुछ नहीं सपोर्टेड है. जो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को सिस्को राउटर में है, वो नहीं मिलेगा. तो सिस्को ने तो पहले से डिफरेंशिएट किया था कि पहले आप राउटर लगा लो और राउटर के पीछे फिर मेरा फायरवॉल लगाओ. राउटिंग का काम राउटिंग से, फायरवॉल का काम फायरवॉल से होगा, ये दोनों एक डिवाइस नहीं होगा. इवन और एडवांस चाहिए तो IPS एक अलग से लगाओ, इंट्रूजन प्रिवेंटिव सिस्टम, सब कुछ अलग अलग था सिस्को में. लेकिन अब बाकी वेंडर्स आने शुरू हुए, उन्होंने कहा नहीं यार ये सब कुछ एक ही डब्बे में डाल देते हैं, तो डाल दिया इन्होंने, बट थोड़ी बहुत लिमिटेशन तो जरूर है. तो
तो इस तरीके से थोड़ा सा वो डिफरेंस वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आज तो हम लोग यहीं तक, अब नया वाला स्टार्ट नहीं कराऊंगा तो आप लोग लेट हो जाओगे अगर नया मैंने फायरवॉल वाला स्टार्ट कर दिया। तो ये जनरल अभी बात हो रही थी कि राउटिंग जो बेसिक्स है किस तरीके से राउटिंग प्रिंसिपल्स काम कर रहा था। कल हम लोग फायरवॉल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो टुमारो एजेंडा विल बी लाइक फायरवॉल बेसिक्स। तो कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा राउटर और फायरवॉल के बीच में क्या क्या टेक्निकल डिफरेंसेस हैं। कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों गेटवे डिवाइस हैं, दोनों लेयर थ्री, दोनों पैकेट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, दोनों लेयर थ्री डिवाइस, लेयर थ्री फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, नॉट लेयर थ्री डिवाइस। लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो कल हम लोग फिगर आउट करेंगे फायरवॉल के बारे में, पर्टिकुलरली डिफरेंसेस के बारे में, क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो हमारे ट्रेडिशनल राउटर में नहीं होता है, और सिमिलरिटीज क्या क्या हैं। तो कल के एजेंडे में ये सब है कि हम लोग कल फायरवॉल से स्टार्ट करेंगे, इसमें जो डिफरेंट टर्म्स हैं वो देखेंगे हम लोग डीएमजी, फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लिगेसी, लिगेसी फायरवॉल वर्सेस नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, सॉरी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, एंड अनदर टर्म विल बी लाइक स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस। ये क्या होता है जिसको हम एसपीआई भी बोलते हैं, स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन, स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन। तो ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे कल। तो कल का हम लोग का थोड़ा सा पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से ये सारी चीजें, एंड वंस वी आर डन विथ ऑल दिस देन उसके बाद में फिर आपको पालो अल्टो के बारे में बात करूंगा कि पर्टिकुलरली पालो अल्टो फायरवॉल में क्या क्या कैसे है। फिर यहाँ से हम लोग बात करेंगे पालो अल्टो फायरवॉल के बारे में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर। तो कल का भी एजेंडा यही है कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक दिस फायरवॉल बेसिक्स फर्स्ट, और ये सब हम लोग टर्म्स क्योंकि यूज करने वाले हैं थ्रू आउट ट्रेनिंग मॉड्यूल। सो इसके बाद फिर मैं पालो अल्टो फायरवॉल पे मूव करूंगा फिर। सो एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट जो हम लोगों ने अभी बात करी, मतलब जनरल एक आइडिया, एक ओवरव्यू कह सकते हैं आप? नहीं सर। तो